आज यशराज फिल्म्स के ऑनर आदित्य चोपड़ा की पत्नी बनकर और बॉलीवुड 90s की सुपरहिट हीरोइन बनने के बाद मर्दानी फिल्म से धाकड़ अवतार में लौटने वाली रानी मुखर्जी को, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ ही फिल्में अब कर रही हैं वो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा फिल्में मुझे नज़र आती है रानी मुखर्जी। अब उस रानी मुखर्जी की फिल्मी करियर के दौरान 90s की बात करें तो मिस्टर परफेक्टनिस्ट यानी कि आमिर खान के साथ भी अच्छी दोस्ती देखने को मिली थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस दोस्ती में पड़ी दरार और मांगनी पड़ी रानी से आमिर खान को माफ़ी? आखिर ये बात क्या थी, सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। 43 साल की हो चुकी रानी मुखर्जी एक बंगाल परिवार से आने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब आई तो अपने पिता राम मुखर्जी के नक्शे कदम चलते हुए रानी ने बॉलीवुड में करियर को अपना नया आयाम दिया। ऐसे में अपनी आवाज की वजह से रानी मुखर्जी बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए काफी प्रॉब्लम से डील कर रही थी। जी हाँ, आवाज की वजह से रानी मुखर्जी को कई बार संघर्ष करना पड़ा। दमदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी दमदार आवाज के लिए जिस रानी की आज होती है तारीफ, उन्हें शुरुआती वक्त में अपनी आवाज को लेकर आदर्श अभिनेत्रियों की तरह पतली नहीं है ये कहा जाता था। गुलाम में उनकी आवाज दब की गई थी। कहा जाता है कि रानी मुखर्जी ने इंटरव्यू में कहा था कि आमिर खान, निर्देशक विक्रम भट्ट और निर्माता मुकेश भट्ट को लगा था कि असली आवाज रानी मुखर्जी की उन पर सूट नहीं करती है, इसलिए डब कराई जाए उनकी आवाज। जी हाँ, रानी मुखर्जी की फिल्म गुलाम को लेकर ये फैसले लिए गए थे। रानी मुखर्जी इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी। वैसे आपको शायद मालूम ना हो, रानी ने इस दौरान बताया था कि फिल्म कुछ कुछ होता है में रानी मुखर्जी उस वक्त काम कर रही थी जब गुलाम फिल्म के साथ वो आ रही थी, लेकिन पहली फिल्म में उनकी आवाज़ डब किया गया। रानी ने करण जौहर से कहा उनकी आवाज़ को डब ही नहीं किया जाए, ओरिजिनल आवाज़ का ही इस्तेमाल किया जाए। तो करण नए निर्देशक थे उस वक्त, उनके किरदार को आवाज़ किसी और से डब करवा सकते थे। फिर भी रानी पर करण जौहर को काफ़ी भरोसा था, जिसके कारण उन्होंने उनकी आवाज़ पर भरोसा किया। और रानी मुखर्जी ने कहा उनकी आवाज़ ही उनकी आत्मा है, विश्वास उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वही उनकी हिम्मत बनेगी। रानी ने इंटरव्यू में कहा कि आमिर खान ने फिर कुछ कुछ होता है फिल्म देखने के बाद उन्हें फ़ोन कॉल कर उनसे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे विश्वास नहीं था तुम्हारी आवाज़ फिल्म के लिए सही है, पर फिल्म देखने के बाद मैं शब्द वापस लेता हूँ, तुम्हारी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।